हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। आज देखा जाए तो थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, 41 रुपीस का शेयर है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ये तेज़ी चल रही है। अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पर गिरावट थी और 36 पर शेयर गया था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी है। जबकि एक बुरी खबर आई है इस कंपनी से जुड़ी हुई, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस 41 रुपीस का है, एक महीने में डिक्लाइन है 2.5% का और एक साल में देखो तो खूब पैसा बना है, 400% का ग्रोथ है। आप देखिए यहाँ पर 8 रुपये का शेयर था, लगातार भागा था, ये गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, 50 रुपये पर जाने के बाद एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, फिर वापस से यहाँ पर तेज़ी लौटती हुई नज़र आ रही है, वापस से तेज़ी यहाँ पर लौटती नज़र आ रही है। लेकिन आज ना एक नेगेटिव अपडेट भी थी कि भाई साहब सुजलॉन एनर्जी के शेयर में डिक्लाइन आया था और शुरुआती दौर में, क्योंकि फर्म को रिसीव हुए थे 2 टैक्स पेनल्टी ऑर्डर्स, और भाई साहब छोटे मोटे नहीं, बड़े टैक्स पेनल्टी ऑर्डर है ये, हालांकि पुराने हैं ये, मतलब पुराने सालों के हैं ये। यहाँ पर देखोगे तो शेयर ऑफ सुजलॉन 3% गिरा था मार्केट ओपन होने और जब हुआ था तब, आफ्टर द आईटी डिपार्टमेंट इश्यूड 2 इनकम टैक्स पेनल्टी ऑर्डर टू इट्स फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 एंड फाइनेंशियल ईयर 17। द 2 पेनल्टी ऑर्डर्स अगर आप देखोगे तो वो तकरीबन 87 करोड़ का एक है और एक है 172 करोड़ के आसपास का। तो 2 बड़े पेनल्टी ऑर्डर्स यहाँ पर इनको दिए गए हैं जो तकरीबन 250 करोड़ के आसपास के बनते हैं, जो कि बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सुजलॉन का शेयर, देखिए कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में खूब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि फंडामेंटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है। अब ऐसे में धीरे धीरे कंपनी डेट फ्री बनी है, और ऐसे में अगर इतना बड़ा पेनल्टी लगता है तो जाहिर सी बात है दिक्कत आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुजलॉन ने ये बोला भी है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इश्यूड ऑर्डर फॉर द फाइनेंशियल 15, 16 and 17 लेइंग पेनल्टी इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिस अलाउ ऑफ क्लेम ऑफ डिप्रिशिएशन ऑन द गुडविल डिस अलाउंस एंड डिस अलाउंस, मतलब अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर है। और सिंपल सी बात है यहाँ पर कि देखिए, कंपनी बिलीव्स दैट पेनल्टी शुड हैव बीन केप्ट इन अबेंस अंटिल द कंक्लूजन दैट क्वांटम अपील अगेंस्ट द डिसअलाउंस। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में ये भैया अपील वगैरह करने वाले हैं यहाँ पर, और देखते हैं ये क्या होगा। लेकिन पेनल्टी लगी है, जाहिर सी बात है, और जब भी ऐसा होता है डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज़ यहाँ पर होती ज़रूर है। कंपनी देखोगे तो भाई साहब रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है ये, और कंपनी इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ विंड टर्बाइंस, और आने वाले टाइम में कई सारी पावर कंपनीज जो है वो अपनी कैपेसिटी को रिन्यूएबल्स में ज़्यादा बढ़ा रही है, सोलार में बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, विंड में भी धीरे धीरे बढ़ा रही है। कंपनी के वेबसाइट पर अगर आप चले जाओगे तो नंबर 1 है ये रिन्यूएबल सेक्टर में, ये उनका कहना है। यहाँ पर इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 20,450 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इनकी। और कंपनी इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी प्रेजेंस करती है, 17 कंट्रीज़ में ये प्रेजेंस है, 1,900 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं इनके ऑल ओवर ग्लोबल, अगर इंडिया के साथ मिलाकर अगर आप देखोगे तो। आज वॉल्यूम भी देखो तो 1.5 करोड़ का वॉल्यूम आया है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 460 रुपये का था, हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है, ये लो भी 1.70 रुपये के आसपास का बना था। मार्केट कैप इसका 56,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठी हुई है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, और आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि देखो इससे पहले क्या था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो था वो डेट को चुकाने में जा रहा था, लेकिन अभी इन्होंने पिछले कुछ टाइम में अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, पैसा रेज करा, डेट चुकाया, और जिसके चलते अगर आप देखोगे तो अभी वो पैसा बचेगा उनका। कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखा लें तो ये सस्ता नहीं है, महंगा है, 82 का पी है इसका, सेक्टर पी 59 का है, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे, देखिए महंगे वैल्यूएशन की वजह यह है कि नंबर्स अभी अच्छे आना शुरू हुए और आगे अच्छे आ सकते हैं, जबकि इससे पहले के क्वार्टरों में अगर आप देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स थे और रेवेन्यू 1,300-1,400 करोड़ के आसपास के देखने को मिल रहे थे।
हालांकि रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप जरूर आया है अगर आप सितंबर दिसंबर को कंपेयर करोगे, लेकिन डबल प्रॉफिट्स हुए इनके, और ये बड़ी बात है इनके लिए। और मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा ही रहा तो चीज़ें बेहतर हो सकती है इनके लिए फ्यूचर में। और दूसरी बात यह है कि रिन्यूएबल्स में डेफिनेटली बहुत सारी जो पावर कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगी। पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी को कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। हालांकि एक नेगेटिव चीज़ भी आई थी गवर्नमेंट की तरफ से जो आई थी, जिसके चलते सुजलॉन और आइनोक्स विंड दोनों के शेयर में बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। जो प्रोसेस थी यहाँ पर, बिडिंग प्रोसेस थी, उसको लेकर गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हुए थे और उसको लेकर टेम्पररी यहाँ पर गिरावट आई जरूर थी। शेयर 35 रुपये तक गिरा जरूर था, अब वापस से रिकवरी लौटी है। उम्मीद करते हैं कि ये रिकवरी आगे भी कंटिन्यू रहे इसी तरीके से। जहाँ तक होल्डिंग को लेकर बात करें, शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास बहुत कम क्वांटिटी है, 13.29%। अच्छी बात यह है कि पहले प्रमोटर के शेयर्स गिरवी थे, आप देखिए यहाँ पर 10.73% का स्टेक प्रमोटर का गिरवी था, अभी वो गिरवी नहीं है। अभी प्रमोटर ने सारे गिरवी शेयर्स छुड़ा लिए हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.33% की है। डोमेस्टिक के पास 4.82% का स्टेक है। FIL 17.83% पर है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने बड़ा खेल खेल दिया था यहाँ पर। जो म्यूचुअल फंड अगस्त तक 4.98% पे थे, भाई साहब 4 महीने में बेच के 1.33 पर आ गए। और इवन डोमेस्टिक ने भी ये खेल खेला, 5.93 से ये भी घट के 4.82 पर आए। लेकिन उसके सामने अच्छी बात है कि FIL ने लगातार खरीदारी करी, 10.88% से बढ़कर ये 17.83 पर आए। मतलब जितना म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक ने बेचा नहीं, उससे ज़्यादा तो FIL ने ही यहाँ पर खरीद लिया। लेकिन देखना होगा आने वाले क्वार्टर में कि वो FIL इन्वेस्टेड रहते हैं कि नहीं। अगर रहेंगे तो ये अच्छी बात होगी, नहीं रहेंगे तो भाई सब दिक्कत होगी। देखना रहेगा कि इस दौरान, इस मार्च क्वार्टर में कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था इस डिक्लाइन के दौरान में। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग 62.73% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है और अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल सुजलॉन को लेकर अगर मैं बात करूं तो कंपनी खराब नहीं है, एक टाइम की खराब कंपनी थी ये, और तब मैंने कहा भी था कि मैं इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज करूंगा। लेकिन जैसे ही शेयर 14-15 रुपये के आसपास था, कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, डेट को चुका दिया, कई सारे ऑर्डर्स मिलते नजर आए, बड़े फंड हाउस की एंट्री होती नजर आई, तब मैंने कहा था कि हाँ अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। और डिक्लाइन आया यहाँ पर, और ये भी है कि हर 20-25% के डिक्लाइन जब भी हाई लेवल से आते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है खरीदारी की। जो मैंने आगे भी कहा था आपसे कि जब 42 रुपीज़ पे था शेयर, 35 पे आया था, मौके बने थे, दोबारा तेजी बनी, 50 से जब गिर कर ये आया था 35 पे, वापस मौके यहाँ पर ज़रूर बनते नज़र आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जब भी डिक्लाइन आए, देखो मौके बनेंगे, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी डूबने वाली अब मुझे नहीं लगती है, बच चुकी है ये कंपनी। और उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब आगे जो है वो चीज़ें इनके लिए और बेहतर हो। तो इतना ही कहूँगा मैं आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, लेकिन हाँ एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी मत करके बैठ जाना। धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए, टाइम लगेगा। और देखो रिन्यूएबल सेक्टर जो है, मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर है वहाँ पर, और जो कंपनियाँ काम करती हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही है, उनके लिए फ्यूचर और बेहतर है। ये मेरा ओपिनियन है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदारी अभी क्वाली करने की। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।